ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास और अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ साथ अपनी वास्तुकला के लिए भी काफी फेमस है। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी है कि आज के दौर के बाद भी इस तरह की वास्तुकला को हूबहू बनाना मुश्किल है। ऐसा ही एक मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर और औरंगाबाद की एलोरा की गुफाओं में है। नमस्कार, मैं हूं अज्ञा यादव, भक्ति सफर में आपका स्वागत है। ये मंदिर सिर्फ एक पूरे पहाड़ को काटकर और तराशकर बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की, जिसे बनाने में मात्र 18 वर्षों का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से ये मंदिर बना है, ऐसे में इसे देख के पता लगता है कि इसे बनने में लगभग 100 से 150 साल लगने चाहिए थे, पर ये इतनी जल्दी बन कैसे गया? बता दूं कि इस मंदिर पर की गई कारीगरी को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, और जो भी इस मंदिर की कारीगरी को देखता है तो वह यही कहता है, वाह बहुत खूब, इतनी सुंदर कारीगरी तो मैंने कहीं नहीं देखी। इतनी बारीकी से इस पहाड़ को तराशा है, इसने बनाई गई हर तरीके की आर्ट में एक नई कहानी है। इन दीवारों पर कहीं रामायण को दर्शाया गया है तो कहीं महाभारत को। इन दीवारों पर भगवान भैरव की मूर्तियों को काफी भयानक दिखाया गया है और पार्वती माता को उतना ही शांत। इन दीवारों पर तांडव को भी दर्शाया गया है। शिव पार्वती की नक्काशी इतनी सुंदर है कि बस देखते ही रह जाए। ये मंदिर कई हाथियों की शिला के ऊपर बनाया गया है। यहाँ कुल 34 गुफाएं जो अपने आप में अपनी अलग अलग कहानियां दर्शाते हैं, जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन वास्तुकला से प्रेरित है। मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने शासन काल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन वहाँ हाईलाइटेड एक्टिविटी के चलते शोध को बंद करना पड़ा। इसके अलावा गुफाओं को भी बंद कर दिया गया, जो आज भी बंद ही है। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिव का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए अन्य उपकरण हैं, जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से 150 साल का समय लगना चाहिए था, लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में हुआ। यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में देवी सहायता की भी संभावना जताई गई है। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह है कि ये भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। वहीं बात आती है, इतने सुंदर और ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रिकॉर्ड के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से सन 773 के दौरान कराया गया। मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और ये प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेंगे। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ था, जो पत्थर को भी भाप बना सकता है। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। बाद में इस अस्त्र को भी भूमि के नीचे छुपा दिया गया। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है, उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2,00,000 टन पत्थरों को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे
सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। दो मंदिर में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण भी किया गया है और ये मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर ही टिका है। इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वह इसे किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचा पाया। हमारे इतिहास में कई रहस्य हैं, लेकिन उस रहस्य से पर्दा उठाना उतना ही मुश्किल है जितना कि इतिहास में वापस लौटना। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।